बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑन द डिमांड ऑफ आकाश राजपूत की प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है. फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ एक्स प्लस बाई एक्स प्लस आई वाई होल पावर अल्फा प्लस आई बीटा एंड शो दैट द सम ऑफ द मॉडुली ऑफ वैल्यूज लेस देन यूनिटी ऑफ वन प्लस आई होल पावर वन प्लस आई इज वन अपॉन स्क्वायर रूट टू ई टू द पावर थ्री पाई बाई फोर कॉसेक हाइपरबोलिक पाई. ये एच है हमारा, हाइपरबोलिक है. कॉसेक हाइपरबोलिक मीन्स कॉसेक हाइपरबोलिक पाई है ये. तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इससे देखेंगे एंड लिखा हुआ है, इससे पहले हमको ये प्रूव करना है यानी इसकी जनरल वैल्यू सॉरी फाइंड करनी है और दूसरे पार्ट में ये शो करना है, प्रूव करना है. दो पार्ट हैं इसके. तो फर्स्ट पार्ट में हमको ये वैल्यू जो है इसकी जनरल वैल्यू हमको फाइंड करना है एक्स प्लस आई वाई की पावर अल्फ़ा प्लस आई बीटा. तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर, जब कॉम्प्लेक्स नंबर होती है तो उसका इसका फार्मूला होता है ई टू द पावर जेड. और जनरल वैल्यू की बात करें तो ये बेस में जो है वो कैपिटल लॉग में यहाँ पर आ जाएगा, लॉग ए. तो पहले तो इस फार्मूले को लगाएं, अप्लाई करें तो ई टू द पावर ये अल्फ़ा प्लस आई बीटा होगा और कैपिटल लॉग होगा क्योंकि हम यहाँ पर जनरल वैल्यू ले रहे हैं. तो ये वैल्यू जो बेस में है वो आ जाएगी एक्स प्लस आई वाई आ जाएगी. अब इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, एक्स प्लस अल्फा प्लस आई बीटा सबसे पहले तो इस जो जनरल लॉग है इसको प्रिंसिपल लॉग में कन्वर्ट करें यानी स्मॉल लॉग में कन्वर्ट करें. लेकिन जब ऐसा करते हैं तो हमें ऐड करना पड़ता है, टू एन पाई आई को ऐड करना पड़ता है. ये जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में कनेक्शन होता है. अब यहाँ पर हम इन इसमें वैल्यू रख दें, अल्फा प्लस आई बीटा है ये, मीन्स लॉग के फार्मूला लगा दें. हम लोग जानते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथम की वैल्यू होती है वन बाई टू लॉग ऑफ रियल पार्ट जो कि एक्स है इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस आई इंटू टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपन रियल पार्ट. तो इस तरीके से इसमें हम जब फार्मूला अप्लाई करेंगे यानी ये फार्मूला ही है जो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, वन बाई टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपन रियल पार्ट प्लस टू एन बाई आई. अब आई वाले जो यहाँ पर दो टर्म है इनमें से आई कॉमन ले लेंगे और फिर हम इन दोनों ब्रैकेट का इंटू करके रियल और इमेजिनरी पार्ट को, हालांकि सेपरेट नहीं करना, इसकी वैल्यू बताना थे तो हम यहाँ पर जनरल वैल्यू बता देंगे. तो ई टू द पावर अल्फ़ा का इन दोनों टर्म में इंटू हो जाएगा, लेकिन अभी हम इंटू नहीं कर रहे हैं. जैसे कि हमने पहले कहा कि हम पहले इसको रियल पार्ट में बांट देंगे, वन बाई टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई कॉमन लेते हुए. तो ये टू एन पाई को, टू एन पाई को पहले लिख दें और इस टेन इनवर्स वाई अपन एक्स को हम बाद में लिख देते हैं और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है. तो ई टू द पावर पहले अल्फ़ा का इसमें दोनों में इंटू करेंगे तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बाई टू हो जाएगा, इसका इसमें इंटू होगा अल्फ़ा का. तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका इंटू जब यहाँ पर करेंगे तो हमें रियल मिलेगा. तो रियल पार्ट को हम पहले लिखना चाह रहे हैं और लेकिन आई का आई में जब इंटू करेंगे तो आई स्क्वायर होगा जिसकी वैल्यू माइनस वन होती है और इसका इंटू इसमें करेंगे यानी बीटा और टू एन पाई प्लस टेन इनवर्स वाई अपान एक्स. तो रियल पार्ट हमने अलग कर लिया और आई कॉमन लेते हुए ये तब इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेंगे, ये तब मिलेगी. अब अल्फा के इंटू इसमें होगा तो उसका कॉफिशेंट मिलेगा आई का अल्फ़ा इंटू दिस वैल्यू यानी टू एन पाई प्लस टेन इनवर्स वाई अपान एक्स. और ये तब मिलेगा इमेजिनरी पार्ट जब इसका इंटू यहाँ पर होगा, इमेजिनरी का रियल में होगा. तो आई तो हमने बाहर ले लिया, बीटा का इसमें इंटू हो जाएगा यानी प्लस का बीटा वाई टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये वैल्यू हो गई और विकेट क्लोज कर दें. बस इतना छोड़ सकते हैं या फिर इसे बिल्कुल अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है तो आप, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू है तो इनको कुछ मान लेते हैं. तो माना कि ये वैल्यू यहाँ पर टोटल वैल्यू जो है वो इसको हम कुछ भी नाम दे दें जो भी अच्छा लगे, पी कह देते हैं. तो ये पी हो जाएगा प्लस आई इंटू क्यू हो जाएगा. तो इस तरीके से
इसे हम लिख सकते हैं कि पावर पी इंटू ई टू द पावर आई क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि बेस अगर इक्वल है तो पावर जुड़ जाती मल्टीप्लिकेशन में, इसका उल्टा किया, जुड़ी हुई पावर थी तो उसे अलग अलग करके लिख दिया। और यहाँ पर यूलर फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो इसे लिख सकते हैं कॉस क्यू प्लस आई साइन क्यू, तो ये वैल्यू हमने रियल और मिनी पार्ट में भी लग दी। और यहाँ पर लिख दीजिए आप कि पी क्या है, वेयर पी की वैल्यू इतनी है अल्फ़ा बाई टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस बीटा इंटू टू एन पाई प्लस टेन इनवर्स बाई अपान एक्स। और इस तरीके से इस क्यू को हमने ये माना था, तो क्यू की वैल्यू यहाँ पर है क्यू इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू टू एन पाई और प्लस टेन इनवर्स वाई अपान एक्स प्लस बीटा वाई टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है वैल्यू, इसी को नोट करना है आपको। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया, जबकि हमें जनरल वैल्यू फाइंड करना थी तो हमने यहाँ पर निकाल दी। उसके बाद हमें शो करना है यानी प्रूव करना है सम ऑफ द मॉडली ऑफ द वैल्यूज़ लेस देन यूनिटी, यानी यूनिटी यानी वन से जो कम है उन्हीं मॉडल्स को, यानी इसके यानी वन प्लस आई की बराबर वन प्लस आई के जो भी हैं मॉडल्स वो यूनिटी से जो कम है उन सब का हमें सम करना है और प्रूव करना है वो इसके बराबर होगा, यानी वन अपन स्क्वायर रूट टू ई टू द पावर थ्री पाई बाई फोर कॉस हाइपरबोलिक पाई के इक्वल होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले तो हम इस वन प्लस आई की पावर वन प्लस आई को उसी तरीके से सॉल्व करें जैसा कि अभी इसको सॉल्व किया था, उसके बाद हम इसके मॉडल्स के बारे में बात कर सकेंगे, मॉडल्स फाइंड कर सकेंगे, क्योंकि मॉडल्स कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालने का रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हों तभी निकाल पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले इसको यानी जिसका हमें मॉडल्स के बारे में बात कर रहे हैं, मॉडली मॉडल्स का प्लूरल होता है, तो यानी अब हम क्या करेंगे इसको जैसे काम में रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करेंगे उसी फार्मूले का यूज़ करेंगे, यानी जैसे कि पहले किया था अभी, तो बस इस ई टू द पावर हो जाएगा, ये जहाँ पर है वन प्लस आई वहीं रहेगा और ये जो बेस में है वो लॉग में आ जाएगा, और इसको हम लोग जनरल लॉग का इस्तेमाल करेंगे वन प्लस आई, और फिर इसके बाद प्रिंसिपल लॉग में यानी कैपिटल लॉग में से स्मॉल लॉग में लिखना है, यानी जनरल वैल्यू से प्रिंसिपल वैल्यू में अगर जाना होता है तो जैसा कि अभी पीछे कर चुके हैं इसमें हम टू एन पाई आई जोड़ देते हैं और बिल्कुल उसी प्रोसीजर से चलेंगे जिससे अभी हम लोग कर चुके हैं, एक तरीके से रिवीजन हो रहा है। इसमें फार्मूला लगाएंगे जो हम पीछे यूज़ कर सकते हैं कर चुके हैं, वन बाई टू लॉग ऑफ रियल पार्ट जो कि वन है इसका स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट जो कि आई को कोएफिशिएंट नहीं लिखा तो वन होता है तो वन का स्क्वायर प्लस आई इंटू टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट जो कि आई को कोएफिशिएंट वन है यहाँ पर, इमेजिनरी पार्ट अपन रियल पार्ट कर देंगे, रियल पार्ट यहाँ पर वन है। और फिर उसके बाद हमको जाना है अगले टर्म पे, यहाँ तक तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर ही दी है, प्लस का टू एन पाई आई लिख दें, इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर दें क्योंकि वन अपन वन वन होता है और टेन इनवर्स वन की वैल्यू पाई बाई फोर की इक्वल होती है वो लिख दें। तो ई टू द पावर वन प्लस आई मल्टीप्लाई में चल रहा है इस पूरे ब्रेकेट के, वन बाई टू लॉग वन का स्क्वायर वन होता है, ये भी वन 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 टू हो जाएगा और प्लस आई इंटू जैसे अभी बताया हमने कि टेन इनवर्स वन जो होता है वो पाई बाई फोर की वैल्यू होती है, प्लस का टू एन पाई आई हो गया। तो अब इनको पहले आई इन दोनों टर्म्स में कॉमन ले लें, बिल्कुल सेम पिछले सवाल पार्ट जैसा है ये, और उसी तरीके का कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, वन बाई टू लॉग रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सेपरेट करना चाहते हैं, इसको पहले लिखते हैं टू एन पाई और प्लस का पाई बाई फोर और फिर आपस में मल्टीप्लाई करें क्योंकि हमें आपकी मॉडुलस इसका फाइंड करना है। तो ई टू द पावर हम वन का जब इसमें इंटू करेंगे तो इसका इंटू वन में करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी पूरा ही, हम पहले वन का इंटू दोनों में कर दे रहे हैं, तो वन बाई टू लॉग टू आ गया प्लस आई इंटू टू एन पाई प्लस पाई बाई फोर इतना आ गया, वन का इंटू इन दोनों टर्म्स में हम लोगों ने कर दिया है। इसी तरीके से अब हम दूसरी जो वैल्यू है यानी आई इसका इंटू भी कर देंगे, तो आई का इंटू इसमें करेंगे तो मिलेगा आई अपन टू लॉग टू और उसके बाद हम आई का इंटू जब यहाँ करेंगे तो आई इंटू आई आई स्क्वायर होता है, बाकी चीज़ें वैसे लिख देंगे टू एन पाई और प्लस का पाई बाई फोर। तो जो रियल वाले पार्ट हैं उनको एक साथ कर देंगे, लेकिन आई स्क्वायर की वैल्यू जो कि माइनस वन होती है तो माइनस ये हो जाएगा और आई ख़त्म हो जाए तो रियल बन गया, इसको पहले लिख दें यानी टू एन पाई प्लस पाई बाई फोर को,
ये तो रियल पार्ट हो गया। अब इन दोनों में से आई को जब कॉमन लेंगे तो ये आई का कोफिशिएंट जो है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, यानी टू एन पाई प्लस पाई बाई फोर, ये तो पहले वाले ब्रैकेट का। दूसरा इसका जब हम देखेंगे तो वन बाई टू लॉग टू बचेगा आई को यहाँ से बाहर लेने के बाद। तो ये इमेजिनरी पार्ट बन गया, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अगर हम आसान करना चाहते हैं तो इसको कुछ नाम भी दे सकते हैं ताकि आसानी से हम यहाँ पर लिखना हो जाए और फिर आगे हम कर सकते हैं इसको। तो ई टू द पावर रियल पार्ट को कुछ भी नाम दे दें, पहले तो हमने इसको पी और क्यू दिया था, चलिए अभी भी हम इसका नाम आप कुछ भी नाम दे दें, बस एन ना दें, एम और एन थोड़ा सा इससे मिल जाएगा। तो इसको एम क्यू पी वन या क्यू वन दे दें या हम उसी नाम को दे दे रहे हैं पी क्यू, क्योंकि ये दो पार्ट हैं, उम्मीद है एक साथ नहीं आएंगे, अलग अलग पार्ट आएंगे। तो इसको पी और क्यू हमने डाल दिया है, तो उसी प्रोसीजर से फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ई टू द पावर ये पी इंटू ई टू द पावर आई क्यू हो जाएगा, और इसमें दोबारा से वही इस यूलर फार्मूला जब लगाएंगे अप्लाई करेंगे तो कॉस कॉस क्यू प्लस आई साइन क्यू हो जाएगा ये, यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम यहाँ पर सेपरेट कर रहे हैं ताकि हमें आसानी से जो है इसका मिल जाए, आसानी से ये मॉडल्स हम लोग निकाल सकें। तो इसका अंदर मल्टीप्लाई भी कर दें कि पावर पी इंटू कॉस क्यू हो जाएगा प्लस आई इंटू ई की पावर पी इंटू साइन क्यू हो जाएगा। ये वैल्यू चल रही है वन प्लस आई टू द पावर वन प्लस आई की, जहाँ पर आपको पता ही है कि हमने मान लिया है वेयर वेयर पी कितना था, पी था वन बाई टू लॉग टू, ये माना था पी, उसकी वैल्यू को रख दें माइनस ब्रैकेट में टू एन पाई प्लस पाई बाई फोर, और दूसरा क्यू को माना था अभी लिख दें टू एन पाई प्लस पाई बाई फोर और प्लस वन बाई टू लॉग टू। तो ये हमने वैल्यू लिख दी है, जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी आगे उसका यूज़ कर लेंगे। हम लोग बात कर रहे थे कि वन प्लस आई जब हमसे पूछा गया है उसका मॉडुलस, यानी वन प्लस आई इसका जो मॉडुलस लेंगे यानी पूरा नंबर हम लिख देते हैं, वन प्लस आई की पावर वन प्लस आई का मॉडुलस के बारे में बातचीत चल रही, तो मॉडुलस जब लेंगे तो इस यानी इस वाले नंबर का मॉडुलस हो जाएगा, यानी जो कि हमने प्रूव किया है कि ये इसके इक्वल है, तो इस वाले नंबर का मॉडुलस हो जाएगा ई की पावर क्यू सॉरी ई की पावर पी इंटू कॉस क्यू प्लस आई इंटू ई टू द पावर पी इंटू साइन क्यू है। और हम लोग जानते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट अपना ये है यानी ई की पावर पी इंटू कॉस क्यू है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी आई का कोएफिशिएंट ये ई की पावर पी इंटू साइन क्यू उसका स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो ये ई की पावर पी का भी स्क्वायर हो जाएगा और कॉस का भी स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ई की पावर पी का स्क्वायर हो जाएगा और साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर क्यू। ई की पावर पी का स्क्वायर को यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, ई की पावर पी के स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो ये वैल्यू जो हम फाइंड कर रहे हैं वो वन प्लस आई का मॉड की पावर वन प्लस आई के मॉडुलस के बराबर चल रही है, और हमने कॉमन लेने की बात कही थी ई की पावर पी का होल स्क्वायर, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर क्यू प्लस साइन स्क्वायर क्यू जिसकी वैल्यू वन के इक्वल होती है। तो ये तो इस ई की पावर पी का होल स्क्वायर इंटू वन और स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर से रूट से स्क्वायर हट जाएगा ओनली की पावर पी आ जाएगा। इस तरीके से वन प्लस आई की पावर वन प्लस आई का जब हमने मॉडुलस लिया तो ई टी की पावर अभी पी के बराबर हमको ये मिल गया है हमको। अब यहाँ पर देखें पी की जो वैल्यू है वो वापस कर दें यहाँ पर ई की पावर पी, क्योंकि हम इन्हीं मॉडुलस के बारे में बात कर रहे हैं, तो मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं, तो पी की वैल्यू हमें मिली थी वो हम पीछे देख के लिख रहे हैं वन बाई टू लॉग टू और माइनस ब्रैकेट में था टू एन पाई प्लस पाई बाई फोर, ये थी पी की वैल्यू जो पीछे से देख के हमने लिख दी है इसका मॉडुलस, यानी इतना आ गया। इसे थोड़ा सा सॉल्व करना चाहेंगे, पावर को हम यहाँ पर ले लेते हैं क्योंकि लॉग में पावर का इंटू हो जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि ये इंटू में है तो पावर में चला जाएगा, और ये माइनस है तो इसे हम दो पार्ट में बांट दे रहे हैं ई की पावर दिस एंड ई की पावर दिस, यानी माइनस का है ये टू एन पाई प्लस का पाई बाई फोर। इस तरीके से हमने दो अलग अलग पार्ट में इसको बांट दिया है, और ये ई से लॉग हट जाता है तो टू की पावर ये वन बाई टू और ई की पावर ये माइनस का टू एन पाई प्लस पाई बाई फोर के फार्म में यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसमें वन बाई टू को हम रूट टू भी लिख सकते हैं और ई टू द पावर ये
माइनस का 2n पाई प्लस पाई बी 4 के बराबर है। ये वैल्यू चल रही है 1 प्लस आई टू दी पावर 1 प्लस आई, और उसका है मॉडुलस जिसके बारे में हमें बताना है, सम करना है इसके सारे मॉडुलस, क्योंकि n की वैल्यू जो है वो आपको मालूम है कि इंटीजर है, तो इसमें बहुत से मॉडुलस मिलेंगे, हर एक वैल्यू n की एक मॉडुलस देगी। तो हम लोग जानते हैं कि जो e की वैल्यू होती है वो तो 2 और 3 के बीच में होती है, और जो पाई की वैल्यू होती है वो तो हम लोग जानते हैं 22/7 होती है, यानी 3.14 के आसपास वैल्यू होती है, ये लगभग वैल्यू होती है। पाई तो एक रेशनल नंबर होता है हम लोग जैसे कि जानते हैं, तो इसलिए ऐसा करें कि अब हम इस वैल्यू को चेक करें कि कौन सी वैल्यू जो है 1 से लेस है, क्योंकि जो शुरुआत में दिया गया था कि हमें उन्हीं का सम करना है, उन मॉडुलस का जो लेस देन यूनिटी यानी 1 से कम है, उन्हीं का, सबका नहीं करना है, क्योंकि एन की डिफरेंट वैल्यू रखने पर डिफरेंट हमें वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव सॉरी 1 से कम और 1 से ज़्यादा, तो उन वैल्यू को हमें छांटना है, अलग करना है जो 1 से ग्रेटर है और जो 1 से लेस है, यानी 1 से लेस वैल्यू को हमें सम करना है। तो ये वैल्यू जो होगी यानी √2 और इंटू ई टू द पावर -2n π प्लस पाई बी 4, इस वैल्यू को हमें चेक करें पहले कि ये कब 1 से कम होगी। तो हमने चेक किया कि 1 से कम ये वैल्यू सारी तब होगी जब हम n की वैल्यू रखेंगे 0 रखेंगे, क्योंकि n की वैल्यू अगर हम यहाँ पर वैल्यू 0 रख देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, और e की बार -π/4 होगी, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको नीचे ले जाना पड़ेगा। तो जब हम e की पावर π/4 और इतना रखेंगे और ये वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है e की, तो 2 और 3 के बीच में पावर अगर हमें अगर 4 से इसको डिवाइड भी कर दिया जाए तो वी वैल्यू जो होगी यहाँ पर 3.14 होगी, यानी इसकी पावर जो है e की पावर जो अपने आप में 2 से बड़ा, तो और वो वैल्यू √2 से तो बड़ी आएगी, ऐसे में ये वैल्यू 1 से छोटी होगी। ऐसे में एक रख के भी यहाँ पर दिखा दे रहा है आपको, जैसे √2 है ये, वो तो न्यूमरेटर में जाएगा और निगेटिव पावर हो जाएगी जब n बराबर 0 रखेंगे, तो e टू दी पावर कितना प्लस का π/4 हो जाएगा, और चूँकि π/4 की अपनी वैल्यू भी 22/7 लिखी थी, 22/7 लिखी थी, तो अगर या हम 3.14 लिखें तो ये वैल्यू जो है √2 की वैल्यू तो 1.414 के बराबर होती है अपान, और e की वैल्यू 2 से भी बड़ी होती है, और उसकी भी हम जब पावर करेंगे π/4 तो ये वैल्यू जो है इस वैल्यू से बड़ी होगी, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो ऐसे केस में ये वैल्यू 1 से लेस आ जाएगी। ना सिर्फ 0 के लिए, अगर हम 1 भी प्लस का रखेंगे 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो सबके लिए ये वैल्यू जो होगी 1 से लेस आएगी। जबकि हम इसी वैल्यू को देखते हैं √2 इंटू ई टू द पावर -2n π और प्लस π/4, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 तब हो जाएगी जब n की वैल्यू हम निगेटिव में रखेंगे, क्योंकि n जो है वो इंटीजर है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव सब होगी। तो निगेटिव रखने से क्या होगा कि ये माइनस और इसका दोबारा से अगर वैल्यू रखते हैं, जैसे माइनस ये लिया और इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो √2 जो कि 1.14 है और उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है e की पावर में, और तो वो वैल्यू 1 से √2 ही 1 से बड़ा था, उसमें और जो मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 से बड़ी वैल्यू का, तो और वैल्यू बड़ी हो जाएगी, यानी 1 से काफ़ी बढ़ जाएगी। यहाँ पर डिवाइड चूँकि पॉजिटिव पावर निगेटिव पावर ये है, तो पॉजिटिव वैल्यू रखने पर यह डिवाइड में पहुँच जाएगा माइनस होने की वजह से, और जो निगेटिव वैल्यू रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस होने की वजह से ये वैल्यू जो है बढ़ के 1 से ज़्यादा हो जाएगी। तो यानी हमें इनको छोड़ना है बस n बराबर इतने के लिए, जो भी इनके मॉडुलस आएंगे उनका फिर हमें सम करना होगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं सम के बारे में कि हैंस द सम ऑफ मॉडुली यानी मॉडुलस का, बहुत सारे मॉडुलस हों उनका सम, ऑफ वैल्यूज ऑफ 1 प्लस i के मॉडुलस जितने भी हैं वो जो इस शर्त को पूरा करते हैं, किस शर्त को, वो यहाँ पर शर्त भी लिख दे रहे हैं क्योंकि वे कहा गया था विचार लेस देन यूनिटी, जो यूनिटी से कम है उनके लिए, तो ये तब मिलेगा जैसे कि n बराबर 0 रखेंगे। तो जब n बराबर 0 रखेंगे
ये मॉडुलस कितना हो जाएगा, अंदाज़ ज़ीरो रखने पर सिर्फ ये बचेगा ई की बार माइनस पाई बी फोर, तो इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं रूट टू तो यहाँ पर रहेगा ही, और ई टू दी पावर माइनस का पाई बाई फोर आ जाएगा, प्लस फिर एन बराबर वन रखेंगे तो एन बराबर जब वन रखेंगे तो टू पाई प्लस का पाई बाई फोर हो जाएगा, तो बाकी चीज़ें वैसी रहेंगी यानी रूट टू रहेगा वैसे ई टू दी पावर भी रहेगा और माइनस भी और टू पाई प्लस का पाई बाई फोर इस तरीके से। अगला जब हम एन बराबर टू रखेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट टू ई टू दी पावर माइनस यानी फोर पाई होगा प्लस का पाई बाई फोर और इसी तरीके से और आगे के भी टर्म यहाँ पर आएंगे प्लस एंड सो ऑन हम लोग कर सकते हैं इसमें, क्योंकि एन की वैल्यू तो इनफाइनाइट तक जाएगी। सबसे पहला काम तो यह है कि जो कुछ कॉमन है पहले कॉमन लेके थोड़ा सिंपल कर लें, देखेंगे कौन सी सीरीज़ बन रही है जिसका सम हमको फाइंड करना है। रूट टू और ई टू दी पावर माइनस पाई बाई फोर हमें दिख रहा है हर एक टर्म में, ये तो पूरा बाहर हो गया तो वन हो जाएगा और इसमें रूट टू बाहर हो गया, ई की पावर माइनस पाई बाई फोर को हमने बाहर ले लिया तो ई टू दी पावर माइनस का टू पाई इस पहले वाले टर्म में बचेगा प्लस ई की पावर माइनस फोर पाई इस वाले टर्म में बचेगा, ऐसे ही ये अगला टर्म लिखना चाहिए चाहे तो सिक्स पाई हो जाएगा प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, और इनफाइनाइट टर्म है और जो हम लोग जानते हैं ये एक जीपी बन गई है क्योंकि इसको इससे डिवाइड करेंगे वही आ रहा है, जो इसको इससे डिवाइड करेंगे सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो वही ई की पावर माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर कॉमन रेशियो जिसे हम लोग कहते हैं वही की बार माइनस का टू पाई आ रहा है क्योंकि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे वही आ रहा है, यानी किसी भी टर्म को उससे पहले वाले टर्म से डिवाइड करेंगे सेम आ रहा है, और इनफाइनाइट जब टर्म होते हैं तो ऐसी सीरीज जिसका ये वैल्यू जो है देखने चूँकि निगेटिव पावर है तो अगर हम पॉजिटिव करके लिखेंगे वन अपानी की बार टू पाई करेंगे ऐसे केस में ये वन से कम होगा तो इसमें जी पी के इनफाइनाइट टर्म का सम होता है ए अपन वन माइनस आर इस वाले फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आर की वैल्यू वन से कम है या पर लेस है, तो स्क्वायर रूट टू इंटू ई टू द पावर माइनस का पाई बाई फोर और यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे जी पी का, फर्स्ट टर्म चूँकि वन है तो ए अपान में हो जाएगा वन माइनस आर तो वन माइनस आर आर की वैल्यू जो है वो देख रहे हैं ई की पावर माइनस का टू पाई है, जैसे कि हम पहले जो फर्स्ट टर्म होता है तो जी पी का सेकेंड टर्म ही आर ही होता है, तो इतना आ गया। इसको हमें उस फार्म में चेंज करके लिखना होगा जैसे हमसे आंसर मांगा जा रहा है, तो ई की पावर माइनस टू पाई है इसको दो पार्ट में बांट लें और हमें आंसर जिस तरीके से लाना है तो उसमें रूट टू नीचे नज़र आ रहा है तो हम रूट टू का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, एक तो ये यहाँ से हमें मिल जाएगा क्योंकि रूट टू अपान में प्रूफ जो करना है वो आ रहा है, तो रूट टू का हमने डिवाइड कर दिया और रूट टू का मल्टीप्लाई पहले से भी चल रहा है तो हमने भी इंटू कर दिया ये, और था क्या इसमें ई की पावर माइनस पाई बाई फोर मल्टीपल में थी और ब्रेकेट में आया था वन अपान, हाँ याद है, तो वन अपान जो ई की पावर माइनस टू पाई थी इसे दो पार्ट में कर सकते हैं माइनस पाई और माइनस पाई इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ पर रूट टू इंटू रूट टू टू बन जाएगा और अपान में ये रूट टू है और ई टू द पावर माइनस पाई बाई फोर ऐसे लिखा रहने दिए, और इस पावर एक पावर को इसमें से पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले आए तो ये वैल्यू पॉजिटिव होके नीचे आ जाएगी, एन ई की पावर माइनस पाई ऊपर रहेगी और ई की पावर प्लस पाई एक हो जाएगी नीचे आके, और अपान वन करते हुए इनका दोनों में एलसीएम ले लें तो टू वन बाई टू रूट टू को उधर लिखा रहने दें और ई टू दी पावर माइनस पाई बाई फोर को, और इस टू को हम इस ब्रैकेट के अंदर ले जाएं तो क्योंकि अभी हमें इसका यूज़ करना है, और यहाँ पर एलसीएम जो दिया ई की पावर पाई तो ई की पावर पाई का इधर इंटू हो जाएगा और माइनस ई की पावर पाई ये, और ये डबल अपान में होने की वजह से इसका ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा टू के साथ, तो ई वन अपान स्क्वायर रूट टू ई टू दी पावर माइनस पाई बाई फोर इंटू ये ऊपर जो पहुंचा है तो उसको हम इधर बाहर लिख देंगे पावर पाई, और हम जो टू जिस मकसद से लाए हैं उसको हम इधर लिखेंगे तो ई टू दी पावर पाई और माइनस ई की पावर माइनस पाई। हम लोग जिस तरीके से जानते हैं कि साइन हाइपरबोलिक जेड की डेफिनेशन होती है ई की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड अपान टू, इसका अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो कॉसेक हाइपरबोलिक जेड होता है और इसे हम पलटेंगे तो टू ऊपर आ जाएगा तो ये भी पलट जाता है, इसका रेसिप्रोकल ई की पावर जेड और ई की पावर माइनस जेड इसका फार्मूला हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए तो वही हमें यहाँ पर मिल गया, बस एच जेड की जगह पर हमारा पाई है तो इसे हम लिख सकते हैं वन अपान स्क्वायर रूट टू, चूँकि बेस सेम है तो पावर इसकी जुड़ जाएंगे पाई में यानी माइनस पाई बाई फोर में जुड़ जाएगा ये पाई, और फिर इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा और ये डेफिनेशन होती है कॉसेक हाइपरबोलिक पाई की, ये इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसकी वैल्यू को रख दिया है
तो वन अपान स्क्वायर रूट टू और ई टू दी पावर एलसीएम लेंगे, अपान बन करते हुए फोर एलसीएम हो जाएगा इसका, फोर पाई और हो जाएगा, फोर पाई में से वन माइनस पाई माइनस होगा तो थ्री पाई बचेगा, इंटू कॉस सेक हाइपरबोलिक पाई आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी वाफ्टर दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।